पूर्व सीएम कमलनाथ ग्वालियर चंबल क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने ग्वालियर में एक रोड शो कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और आज उन्होंने ग्वालियर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कर्ज माफी के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम शिवराज को नालायक तक कह दिया। ट्रैक्टर खरीद लिया, मकान खरीद लिया, वो ऋण माफ हो रहा था, वो पात्र नहीं था। जो जिसकी 2 लाख रुपए से ज्यादा थी उसका माफ नहीं होना था, नहीं कहा था 2 लाख रुपए तक माफ कर। शिवराज जी कहिए 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है, 53 लाख कर्जा नहीं माफी पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी? पहली दफे केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करने का तय किया था। ये मैंने शुरुआत करी थी। पहला किस्त था 2 लाख रुपए, डिफॉल्टर तक का कर्जा माफ किया, 50,000 रुपए तक का चालू खाते का माफ किया। जिनका माफ नहीं किया वो जीएसटी देने वाले थे, इनकम टैक्स देने वाले थे। हमने कहा था ये बात नहीं, सबसे ज्यादा वो चिल्लाए जिनके 7 लाख किसान निकले, जिनके 1 से ज्यादा खाते थे, वो भी मैंने कह दिया था कुछ ना कुछ उपाय। 3 खाते 4 खाते वाले क्या करें, फिर भी हम आगे बढ़े। तिजोरी खाली थी पर 26 लाख। शिवराज सिंह जी आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, मैं यहां खड़े हो जाता हूं। मैं 26 लाख किसानों का नाम, टेलीफोन नंबर, गांव का नाम आपको देने को तैयार हूं। पर ये झूठ की राजनीति बहुत हो गई, ये फरेब की राजनीति बहुत हो गई। वहीं जब उनके इस बयान पर मीडिया ने सीएम शिवराज से सवाल किया कि कमलनाथ ने उन्हें नालायक कहा है, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि वो किसी पर पलटवार करने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। जाकी रही भावना जैसी, वो मूरत देखी तुम तैसी। मैं तो किसी को नालायक नहीं कहता, पहले ही मुझे नालायक कह चुके हैं। मैं जैसा हूं मेरी जनता जानती, मेरा प्रदेश जानता है, और उनकी आत्मा को संतुष्टि मुझे नालायक बोलने में मिलती है तो बोल के प्रसन्न हो, मुझे क्या। देखिए, अगर समग्रता के साथ आप देखें, 3-3 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख मिला। हम अब फसल बीमा योजना में प्रावधान करवाएंगे, लेकिन न्यूनतम राशि की सीमा तय है, उससे कम किसी को ना मिले। जैसे आरबीसी 6,000 के नियम परिवर्तित करके हमने कर दिए। और फसल बीमा योजना में ये पैसा तो मैं पहले कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम क्यों जमा नहीं किया था, और इसलिए किसानों को 3100 करोड़ रुपए नहीं मिलता। उनके जमाने में फसल खराब हुई, हमने फसल बीमा का प्रीमियम का पैसा भरा, पहले 3100 करोड़ दिलवाया। 3100 करोड़ के बाद कल 4,600 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। ये बिल्कुल अपवाद है जो आप करें, लेकिन आगे ये अपवाद भी ना रहे, हम इसके प्रयास करेंगे। नेताओं का एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। दोनों ही पक्ष के नेता एक दूसरे पर कुछ भी कहने से पीछे नहीं हट रहे। आपको बता दें कि दोनों ही दल सबसे ज्यादा फोकस ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कर रहे हैं, क्योंकि यहां की सीटों के नतीजे निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।